नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो रिलेटेड है डार्क रिएक्शन से। डार्क रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे C3 साइकिल, C4 साइकिल, केम साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। साथ ही साथ इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में भी देखेंगे। इससे पहले वाले जो दो वीडियोस हैं उनके अंदर अपन ये जो पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट कर चुके थे, लाइट रिएक्शन के बारे में अपन देख चुके थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो ताकि इस चैप्टर का आपको बेसिक क्लियर हो सके। आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले C3 साइकिल के बारे में। देखो, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा कि प्लांट के अंदर दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक को अपन लाइट रिएक्शन बोलते हैं और एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड के अंदर होती है और डार्क रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। तो ये जो डार्क रिएक्शन है वो कहां चल रही है, स्ट्रोमा में चल रही है, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो लाइट रिएक्शन के थ्रू मिल रही है। लाइट रिएक्शन के अंदर अपन के पास जो भी एनर्जी मिली थी वो किसमें काम आएगी, डार्क रिएक्शन के अंदर। अब अपन सिंपल सा देखते चलते हैं इनके बारे में ताकि आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन मिल सके। सबसे पहले देखते हैं हम C3 साइकिल, इसको अपन केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। केल्विन बेंसन को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इसके अंदर हम देखेंगे CO2 का फिक्सेशन, अपन ने क्या किया था, वाटर का हाइड्रोलाइसिस किया, ऑक्सीजन बन गई। अब अपन करेंगे CO2 का फिक्सेशन ताकि अपने पास क्या बन सके, ग्लूकोज बन सके। और CO2 के फिक्सेशन से रिलेटेड जो भी कंडीशंस होंगी उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो अपन को कहां से मिल जाएगी, थाइलेकोइड से। अब ये जो प्रोसेस है उसको उन्होंने एक टेक्निक से डिस्कवर किया, उसका नाम है C14 रेडियो एक्टिव टेक्निक। C14 रेडियो एक्टिव टेक्निक इन्होंने काम में ली थी और उन्होंने ये जो डिस्कवरी की वो की थी क्लोरेला और सिंडेस्मस, ये दो एल्गी है उसके ऊपर C14 रेडियो एक्टिव टेक्निक को काम में लेते इस डिस्कवरी को उन्होंने किया था। C3 साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर CO2 के फिक्सेशन के बाद में जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्राइमरी प्रोडक्ट है जो अपन CO2 का जब फिक्सेशन करते हैं उसके बाद में बनता है। उसके बाद में इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। अगला, इसके अंदर हम तीन स्टेप के बारे में देखेंगे। पहला है इसके अंदर कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है इसके अंदर रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन। वापस से फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अगला जो इसमें पॉइंट है, इसमें अपन को 6 CO2 को जब अपन रिड्यूस करेंगे या 1 ग्लूकोज को बनाएंगे, अपन को अगर डेफिनेशन याद करें तो उसकी इक्वेशन में अपन ने देखा था 6 CO2 एंड 12 H2। 6 CO2 का अपन को फिक्स करना है तो 6 CO2 को जो फिक्स करते हैं उस कंडीशन में अपन को कितनी एनर्जी चाहिए, 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। 12 NADPH की रिक्वायरमेंट रहती है। अगला जो पॉइंट है, इस प्रोसेस के अंदर अपने पास जो एंजाइम काम आता है उसका नाम होता है रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका नाम होता है राइगुलोज 1,5-bisphosphate कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजिनेज। मतलब इस एंजाइम के पास दो एक्टिविटी हो सकती है, एक तो एक कार्बोक्सिलेशन कर सकता है और एक करता कर सकता है ऑक्सीजिनेशन। तब कार्बोक्सिलेशन कर सकता है, ऑक्सीजिनेशन कर सकता है, कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा। यहां हम C3 साइकिल देख रहे हैं, कार CO2 को फिक्स करें इसका मतलब रोल एज ए क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलेज काम करेगा। आगे देखो, इसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का मतलब CO2 एक्सेप्ट के लिए, CO2 को एक्सेप्ट करेंगे तो अपने पास फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, ये एक एंजाइम है उसका नाम है RUBP, राइबुलोज 1,5-bisphosphate, राइबुलोज 1,5-bisphosphate आपको याद रखना है। उसके बाद में एंजाइम इसके अंदर कौन सा है जो मैं आपको बता चुका हूं, रुबिस्को। ये प्रोसेस हो कहां रही है, ये प्रोसेस होगी लीफ की मेसोफिल सेल के अंदर। लीफ की मेसोफिल सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी CO2 के फिक्सेशन की। अगला, मोस्टली ये जो प्रोसेस होती है टेम्परेट रीजन के अंदर होती है, अदरवाइज बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर कौन सा साइकिल रहेगा,
C3 साइकिल। अगला इसके अंदर पॉइंट है फोटो रेस्पिरेशन। देखो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, C4 जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर अब्सेंट रहता है, जबकि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन क्या रहेगा, प्रेजेंट। तो फोटो रेस्पिरेशन की जब भी बात करें तो C3 प्लांट के अंदर क्या रहता है, फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट। जब आगे हम देखेंगे इसके बारे में तो और मैं आपको बताऊंगा कि फोटो रेस्पिरेशन का किस तरीके से रोल रहता है इसके एनर्जी से रिलेटेड। अब देखते हैं इसका ये जो पाथ आपको यहां पर दिख रहा है इसको बारीकी से समझते हैं। इसके अंदर अपने पास ये जो प्रोसेस है, पहली प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। बेसिकली देखा जाए तो अपने पास यहां पर एक सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के बाद में रिडक्शन और ये रीजनरेशन, ये अपने पास तीन प्रोसेस इसके अंदर रहती है। अब देखो स्टार्ट कहां से होगी ये प्रोसेस, सबसे पहले अपने पास मेसोफिल सेल के अंदर क्या है, RUBP राइबुलोज 1,5-bisphosphate, राइबुलोज 1,5-bisphosphate के कितने मॉलिक्यूल है अपने पास, 6 मॉलिक्यूल। ये बने कैसे, ये हुआ राइबुलोज 5-phosphate, 5-phosphate का मतलब 5 मोनोफॉस्फेट है उसके फॉस्फोराइलेशन से। फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहां पर ATP क्या हो रही है, ऐड हो रही है, मतलब फॉस्फेट ऐड होगा यहां पर। और वो फॉस्फेट कब मिलेगा, जब ये जो ATP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP और PI में, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो राइबुलोज 5-phosphate किस में कन्वर्ट हो गया, राइबुलोज 1,5-bisphosphate। इसका मतलब उसकी जो वन पोजिशन है राइबुलोज की उसके ऊपर क्या एड हो गया है, फॉस्फेट। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। रूबिस्को इस प्रोसेस के अंदर आगे रोल प्ले करेगा RUBP के साथ। राइबुलोज 1,5-bisphosphate इस रूबिस्को की प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। कार्बोक्सिलेशन का आपको पता है कि CO2 ऐड होगी, कितने CO2 ऐड हो गई, 6 CO2 यहां पर ऐड हो गई। एंजाइम कौन सा काम में आ गया यहां पर, ये आ गया रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को की कौन सी एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी यहां पर काम में आई। RUBP के कितने मॉलिक्यूल अपने पास, 6 मॉलिक्यूल, तो अपने पास 12 मॉलिक्यूल का एक कंपाउंड यहां पर बनेगा और उसका नाम होगा PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो C3 साइकिल के अंदर प्राइमरी सबसे पहला जो CO2 के फिक्सेशन के बाद में प्रोडक्ट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन, वापस से वही फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या ऐड होगा यहां पर, ATP का रोल आएगा, और ATP जो 12 ATP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 12 ADP और PI में। तो इसका मतलब अपने पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गई, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस से देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसकी वन पोजीशन के ऊपर वापस से ये जो फॉस्फोरस है वो ऐड हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो ऐड हो गया। तो अपने पास क्या बना, 1,3-bisphosphoglyceric acid, 1,3-bisphosphoglyceric acid। अब 1,3-bisphosphoglyceric acid के रिडक्शन से क्या बनता है यहां पर, 3-PGAL, मतलब LDHD बन गया, 3-phosphoglycer-LDHD। तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल आ गए अपने पास, 12 मॉलिक्यूल। अब यहां पर LDHD आ रहा है, इसका मतलब यहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का रोल रहता है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये 12 NADPH तो किस में कन्वर्ट हो गए, 12 NAD+ में, 12 NAD+ में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो रिडक्शन की प्रोसेस है ये जस्ट अपोजिट है ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या किया था, 3-PGAL था, LDHD कन्वर्ट हो रहा PGA में हो रहा था, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, ये जो PGA है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, LDHD के अंदर, मतलब एसिड कन्वर्ट हो रहा है LDHD के अंदर। जब एसिड LDHD में कन्वर्ट होता है तब तो एनर्जी काम में ली जाती है, और जब LDHD एसिड में कन्वर्ट होता है उस कंडीशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए हमने ग्लाइकोलाइसिस से तो एनर्जी रिलीज की और फोटोसिंथेसिस में हम एनर्जी को क्या करें, काम में ले रहे। अब अपने पास 12 मॉलिक्यूल बन गए 3-PGAL के। ये 12 मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 मॉलिक्यूल हैं 3-PGAL के, वो आगे चलकर क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सी फॉर्म के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, सुक्रोज की फॉर्म में, और स्टोर कौन सी फॉर्म के अंदर हो जाएगा, स्टार्च में। अब बचे हुए जो अपने पास 10 मॉलिक्यूल है वो एक पाथवे को और फॉलो करते हैं और आगे वापस से किसको बना लेते हैं, RUBP को। RUBP मतलब राइबुलोज 5-phosphate को बना लेते हैं, 5-phosphate को। RUBP का मतलब 1,5-bisphosphate नहीं बनाएंगे, राइबुलोज अपने पास 5-monophosphate का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से इसका वापस से ओरिजिन हो जाता है। अब इसके अंदर एक प्रोसेस और चलती है कि किस तरीके से ये 10 मॉलिक्यूल इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं।
इतना डीप आपके 12th स्टैंडर्ड के ऊपर है नहीं, इसलिए अपन सिंपल से इस फ्लो चार्ट से इसको समझेंगे। समझा अपने कि किस तरीके से C3 साइकिल ऑपरेट होता है। अब देखते हैं C4 साइकिल को। C4 साइकिल के साथ साथ C3 का कंपैरिजन भी हम करते चलेंगे, ताकि इन दोनों के कंपैरिजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सको। सबसे पहले देखो C4 साइकिल, और C4 साइकिल को हम H स्लेक साइकिल के नाम से भी जानते हैं। H स्लेक साइकिल, और साथ ही साथ इसके अंदर भी अपना मेन काम क्या हो गया, CO2 को फिक्स करना। CO2 का फिक्सेशन होगा, बट ये क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग रहती हैं। कुछ प्लांट्स जिनके अंदर एक अलग तरीके की एनाटॉमी पाई जाती है, अलग तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उनके अंदर ये साइकिल ऑपरेट हो पाता है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल ऑपरेट हो पा रहा है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेसिस पे C4 साइकिल ऑपरेट हो पा रहा है। यहां से आपको ये देखना है कि CO2 का फिक्सेशन इनमें दोनों का पर्पज सेम है, C3 साइकिल हो या फिर C4। इसकी भी डिस्कवरी जब की गई तो कौन सी टेक्निक को काम में लिया गया, C14 टेक्निक को। तो CO2 के फिक्सेशन से रिलेटेड टेक्निक काम में ली गई C14 को, और ये देखा गया कि इस प्रोसेस के अंदर CO2 को फिक्स करने के बाद में 3 कार्बन का कंपाउंड नहीं बन रहा है, जबकि 4 कार्बन का कंपाउंड इसके अंदर बनेगा। और ये 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसी के बेसिस पे इस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, C4 साइकिल। इस 4 कार्बन के कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है इससे रिलेटेड। सबसे पहले कैप्री लॉव ने 1960 में इसकी डिस्कवरी की, किसके अंदर, मेज के अंदर, मक्का के अंदर। फिर कोर्ट्स एंड चेक ने 1965 के अंदर सुगर कैन की जो पत्तियां थी उसके अंदर उसकी इसकी डिस्कवरी की। फिर इन दोनों की डिस्कवरी को प्रूव किया किसने, हेच एंड स्लेक ने। इसके बेसिस पे इस साइकिल को हम बोलते हैं हेच स्लेक साइकिल। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, इसलिए साइकिल को अपन बोलते हैं C4 साइकिल। इसके अंदर कौन कौन सी स्टेप्स रहती हैं, स्टेप इसके अंदर रहेगी। सबसे पहले इसके अंदर वही कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस, उसके बाद में रिडक्शन, और उसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन। ये 3 प्रोसेस इसके अंदर चलेंगी CRD। अब इसके अंदर कितनी एनर्जी चाहिए वो देखते हैं। इसमें जब हम 6 CO2 को फिक्स करते हैं तो हमें 12 NADPH चाहिए और 30 ATP चाहिए। याद रखना C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी ऑपरेट होता है। C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी ऑपरेट होता है। C3 साइकिल के हिसाब से 3 ATP और C4 साइकिल के हिसाब से 2 ATP पर CO2 को फिक्स करने में काम में आता है। तो टोटल 18 ATP C3 साइकिल के हिसाब से और 12 ATP C4 साइकिल से काम में लिए जाते हैं। तो टोटल 30 ATP इस प्रोसेस में काम में आते हैं। अब अगला पॉइंट है इसके अंदर जो प्राइमरी एंजाइम काम में आता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं पेप कार्बोक्सिलेज। वहां रुबिस्को था, यहां पेप कार्बोक्सिलेज है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर यहां पर क्या रहेगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट क्या रहेगा, प्राइमरी CO2 एक्सेप्ट करेगा, और उसका फिक्सेशन करने के बाद में अपने पास ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनेगा। अगला पॉइंट है, ये जो प्रोसेस है मेसोफिल सेल और बंडल सील सेल दोनों के अंदर होती है, और इस एनाटॉमी को हम क्या बोलते हैं, इसमें एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है, उसको बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। तो डाइमॉर्फिक जो कंडीशन है, मतलब क्रेंज एनाटॉमी को अपन डाइमॉर्फिक नेचर ऑफ लीफ बोलते हैं, ये भी याद रखना C4 का नेचर है। ये मोस्टली कौन से प्लांट्स के अंदर होगी, ट्रॉपिकल। अब मैं आपको कुछ प्लांट्स के नाम इसके अंदर ऐड करूंगा, वो आपको याद रखना है कि उन प्लांट्स का नाम आते हैं आपको याद रखना, उनमें C4 साइकिल ऑपरेट होता है। इनके अंदर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन अब्सेंट होता है, मतलब लाइट की ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो रुबिस्को है उसकी जो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो काम नहीं कर पाती है, मतलब फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा और आगे डीपली इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जबकि C3 साइकिल के अंदर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट रहता है। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट इसका क्या है, 0 से लेकर 10 PPM, मतलब CO2
जब कंसंट्रेशन कम होती है तब भी ये काम कर जाता है, जबकि इसका CO2 कंपेंसेशन पॉइंट क्या है, 50 से लेकर 100 ppm, मतलब ज्यादा CO2 की कंसंट्रेशन इसमें चाहिए। कौन से साइकिल के लिए? C3 साइकिल के लिए। इससे कम अगर CO2 की कंसंट्रेशन रहती है तो यहां पर फोटो रेस्पिरेशन वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन अगर कम हुई तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी स्टार्ट होते ही कौन सा काम होने लगेगा, फोटो रेस्पिरेशन का। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसके अंदर की एक क्रेंज एनाटोमी एक्चुअली है क्या। देखो इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो कि जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जाइलम हो गया और ये हो गया फ्लोएम, इनको अपन वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो उनको कवर करने वाली एक शीथ है जो एक माला के रूप में, जिसको अपन रिथ बोलते हैं, रिथ के रूप में है और वो होती है बंडल शीथ, क्योंकि वैस्कुलर बंडल है तो इसको कवर करने वाली मेम्ब्रेन जो कवरिंग है उसको अपन ने वैस्कुलर शीथ बोल दिया या बंडल शीथ बोल दिया। बंडल शीथ को कवर करने वाली एक जो रिथ है उसको बोलते हैं मेसोफिल सेल। एक्चुअली C4 प्लांट के अंदर मेसोफिल डिफरेंशिएट नहीं रहती है, अदरवाइज मेसोफिल जो डिफरेंशिएशन रहता है दो टाइप से होता है मेसोफिल के डिफरेंशिएशन, एक मेसोफिल डिफरेंस हो जाती है पेलिसेट टिश्यू में और एक हो जाती है स्पॉन्जी टिश्यू में, यहां इसका डिफरेंशिएशन नहीं रहता है, ये सिर्फ मेसोफिल के रूप में रहती है और बंडल शीथ के चारों ओर पाई जाती है। बंडल शीथ और मेसोफिल आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से रहती है कनेक्टेड। देखो यहां से स्पेस हम कर सकते हैं क्रिएट, तो ये जो स्पेस है यहां प्लाज्मोडेस्माटा से ये कनेक्टेड रहेंगी। अब अपन देखते हैं दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या रहा। देखो मेसोफिल जो सेल है उसके अंदर सबसे पहले CO2 का फिक्सेशन होगा, मेसोफिल सेल के अंदर क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा, और बंडल शीथ सेल है उसके अंदर क्या होगा, C3 साइकिल होता है। बंडल शीथ सेल के अंदर यहां क्या रहेगा, C3 साइकिल, ठीक है, C3 साइकिल है तो इसका मतलब यहां पर कौन है, रूबिस्को। तो रूबिस्को को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन उसको कैसे मिल सकती है, जब फोटोसिस्टम ऑपरेट हो, फोटोसिस्टम कौन सा, सेकंड, तो फोटोसिस्टम सेकंड क्या होता है, बंडल शीथ सेल के अंदर होता नहीं है, इसलिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता नहीं और ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, किसको, रूबिस्को को, इसलिए C4 प्लांट के अंदर फोटोरेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती है। मतलब डायरेक्ट CO2 का फिक्सेशन कौन कर रहा है, मेसोफिल सेल कर रही है, और मेसोफिल सेल के पास क्या नहीं है, रूबिस्को नहीं है, वहां पर कौन सा एंजाइम है, पेप कार्बोक्सिलेज, पेप कार्बोक्सिलेज CO2 को फिक्स कर रहा है, इसलिए यहां पर अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम भी होती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर जो CO2 की अवेलेबिलिटी है वो कहां पर प्रोवाइड की जाती है, रूबिस्को को, बंडल शीथ सेल के अंदर। अब देखो मेसोफिल सेल के अंदर ग्रेना प्रेजेंट रहता है जबकि बंडल शीथ सेल के अंदर ग्रेना एब्सेंट रहता है। अगर ग्रेना प्रेजेंट रहेगा तो फोटोसिस्टम सेकेंड इसके अंदर रहेगा, जबकि बंडल शीथ सेल के अंदर फोटोसिस्टम सेकेंड क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। फोटोसिस्टम सेकेंड एब्सेंट रहेगा तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बनेगी नहीं, इसका मतलब जो कंपेंसेशन पॉइंट है उसको मैनेज किया जाएगा। अगला पॉइंट है मेसोफिल जो सेल होती है उनके अंदर क्लोरोफिल नॉर्मल होता है, जबकि बंडल शीथ सेल के अंदर क्या रहता है, लार्ज क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये बात हो गई बेसिक इसके बारे में। अब C4 और C3 साइकिल के अंदर थोड़ा हम डिफरेंस देखते हैं, फिर C4 साइकिल का एक जो अपने पास फिगर है उसको देखेंगे। C4 साइकिल और C3 साइकिल, C4 साइकिल को H स्लैग बोल दिया, इसको केल्विन साइकिल बोल दिया, इसमें CO2 का फिक्सेशन, इसमें CO2 का फिक्सेशन, टेक्निक कौन सी, C14 टेक्निक, इसमें C14 रेडियो एक्टिव टेक्निक काम में ली। इसको किसमें डिस्कवर किया, कैप्रिलोव ने मेज में, कॉर्ट चेक ने सुगर केयर में, और प्रूव किया हेस स्लेक ने, जबकि इसको केल्विन बेंसन ने किया क्लोरेला और सिंडेसमस में। इसके अंदर प्राइमरी जो प्रोडक्ट है वो बनता है ऑक्सलोएसिटिक एसिड, इसके अंदर क्या बनता, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर तीन स्टेप आते हैं, एक आती है इसके अंदर पहला कार्बोक्सिलेशन, फिर आता है रिडक्शन और उसके बाद में डीकार्बोक्सिलेशन। इसके अंदर तीन प्रोसेस थी, कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद में रिडक्शन, उसके बाद में रीजनरेशन। इसमें 6 CO2 को फिक्स करने पर 12 NADPH और 30 ATP मिलती है, जबकि C3 साइकिल के अंदर अपन को 6 CO2 को फिक्स करने में 12 NADPH और 18 ATP मिलती है। यहां पर अपने पास जो एंजाइम है वो पेप कार्बोक्सिलेज है,
और यहाँ पर अपने पास है रूबिस को। याद रखना इसके अंदर दोनों एंजाइम काम में रहते हैं, बट इनिशियली अपने पास इसके अंदर जो CO2 को फिक्स करता है वो कौन सा रहेगा, पेप कार्बोक्सिलेज। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इसके अंदर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है, जबकि इसके अंदर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, RUBP राइबुलोज 1,5-bisphosphate। ये प्रोसेस मेजोफिल सेल और बंडल सेल से दोनों में होगी, जबकि ये प्रोसेस सिर्फ लीफ मेजोफिल में होगी। ठीक है, इसमें स्पेशल एनाटोमी पाई जाती है जिसको अपन क्रेंज एनाटोमी बोलते हैं। इसके अंदर क्रेंज एनाटोमी क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। ये मोस्टली ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर होती है, मतलब जहां गर्मी ज्यादा रहेगी वहां C4 ऑपरेट होगा, और ये मोस्टली टेम्परेट के अंदर रहता है। ये इसके अंदर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन, मतलब C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट रहता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फोटो रेस्पिरेशन C4 के अंदर एब्सेंट रहेगा, C3 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट रहेगा। CO2 कंपेंसेशन पॉइंट इसके अंदर 0 से लेकर 10 ppm है, 0 से लेकर 10 ppm है, और इसके अंदर क्या है, 50 से लेकर 100 ppm है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके C4 साइकिल के, जिनके अंदर जिन प्लांट्स में C4 साइकिल प्रेजेंट रहता है, और साथ ही साथ एक फिगर देखते हैं जिसके अंदर C4 साइकिल को समझते हैं। अब देखो ये C4 साइकिल का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पहले हम ये देख लेते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें कई बार कि C4 प्लांट इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना है मोनोकोट्स के अंदर C4 प्लांट है बाजरा, मक्का, जई, साइप्रेसी और गन्ना। और डाइकोट की बात करें तो आपको एट्रिप्लेक्स, अमरेंथस और साल 16, ये तीन प्लांट को याद रखना है। ये प्लांट जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से मैंने सेलेक्ट किए हैं। अब देखो ये आपके पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है C4 का, कि C4 साइकिल दो सेल के अंदर ऑपरेट हो पा रहा है, एक को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल और एक को बोलते हैं बंडल सीड सेल। बंडल सीड सेल के ऊपर कौन सी थी, मेसोफिल सेल। अब देखो होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले एटमोस्फेरिक CO2 आती है और CO2 कन्वर्ट हो गई कार्बोनेट्स के अंदर, ये HCO3 नेगेटिव अपने पास बन गया। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर CO2 यहां पर है वो साइटोसोल के अंदर हो रही है, और इस प्रोसेस के अंदर CO2 आने के बाद में सबसे पहले CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 का फिक्सेशन कौन करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट CO2 को फिक्स करता है। इस प्रोसेस में जो एंजाइम काम में आता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, और नाम हो गया प्रोसेस का कार्बोक्सिलेशन। और अपने पास चार कार्बन का एक कंपाउंड बन गया ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। फिर क्या करता है, साइटोसोल से ट्रांसपोर्ट होता है किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये याद रखना है, मतलब ये रिमेनिंग जो प्रोसेस हो रही है सारी की सारी वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी, और PEP से ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बनने की जो प्रोसेस है वो साइटोसोल में होती है। ये क्वेश्चन आता है कई बार, क्लोरोप्लास्ट से ये ट्रांसपोर्ट होगा वापस बंडल सीड सेल के अंदर, क्योंकि ऑक्सिलो एसिटिक एसिड डायरेक्ट इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ नहीं सकता, इसलिए कन्वर्ट होगा मेलिक एसिड के अंदर। मेलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होके कहां पर आ गया, इस बंडल सीड सेल के अंदर। बंडल सीड सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो गया मेलिक एसिड पाइरुवेट के अंदर, और एंजाइम कौन सा काम में आया अपने पास, मेलिक एंजाइम। इस प्रोसेस के अंदर इसने क्या किया, NAD+ से NADPH2 को बना लिया, NADPH+HN अपने पास बन गया। कहने का मतलब देखो, इस प्रोसेस में जब मेलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है पाइरुवेट के अंदर, तब अपने क्या किया, एक एनर्जी को बनाया है, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि बंडल सी सेल जो है उनके पास ग्रेना है ही नहीं, ग्रेना जब है नहीं तो उनके पास फोटोसिस्टम सेकंड ऑपरेट नहीं हो पाता है, और फोटोसिस्टम सेकंड जब ऑपरेट नहीं हो पाता है तो एनर्जी बनती नहीं है। तो यहां पर एनर्जी देखो बन रही है, साथ ही साथ ये डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, इसलिए यहां पर CO2 रिलीज होती है, और इस CO2 को फिक्स करने का काम फिर कौन से साइकिल से चलता आगे, C3 साइकिल से। तो C4 साइकिल में अपने पास C4 आया और साथ साथ में C3 भी आ गया। अब यहां पर ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए CO2 के लिए काम बढ़िया हो गया कि जितनी भी CO2 आई उसने डायरेक्ट फिक्स कर दी, और CO2 की अवेलेबिलिटी डायरेक्ट बनती रही हर बार। जबकि डायरेक्ट अगर ये C3 साइकिल ऑपरेट हो पाता तो हो सकता था, अगर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो तो इस रूबिस्को की जो कार्बो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाए, इससे बच गया यहां पर ये। ठीक है, यहां पर एनर्जी काम आई, मतलब ये जो साइटोसोल है ऑक्सिलो एसिटिक जब कन्वर्ट होता है मेलिक एसिड या मेलेट में,
तब NADPH को काम में ले लिया। अब ये पायरुवेट वापस से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहां पर, इसे मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट से ये वापस कहां जाएगा, साइटोसोल के अंदर, और साइटोसोल में कन्वर्ट हो गया ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बाय द यूज ऑफ एटीपी, एटीपी इसने काम में ले ली। फिर ये वापस से प्रोसेस यहां पर चलती रहेगी। तो कहने का मतलब C4 साइकिल में CO2 कंपेंसेशन मैकेनिज्म पाई जाती है जिसकी वजह से यहां पर फोटो रेस्पिरेशन ऑपरेट नहीं हो पाता है और डायरेक्ट CO2 अवेलेबल करवाई जाती है कहां पर, इस बंडल सी सेल के अंदर। ठीक है, ये हो गया C4 साइकिल। अब देखो इसको याद करने के लिए छोटी सी ट्रिक है, वो है PEOMP, पीओ महिपाल। ठीक है, पीओ महिपाल का मतलब महिपाल को क्या पीना है, इनो पीना है, आपको ये याद रखना। क्यों पीना है इनो, क्योंकि CO2 आया, CO2 आपको पता है एसिडिटी बढ़ाता है, एसिडिटी कॉज करेगा तो उसको उसको काउंटर करने के लिए क्या काम में लेते हैं, इनो काम में लेते हैं। तो आपको याद रखना है पी से हो गया ये, देखो पी इससे हो गया है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ओ से क्या हो गया ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, एम से क्या हो गया मेलेट, ये मेलेट यहां आ गया, मेलेट किस में कन्वर्ट हो गया पायरुवेट, ये पायरुवेट, ये पायरुवेट यहां चला गया और वापस से इसमें कन्वर्ट हो गया, समझे आप। तो पीओ महिपाल इसको आप इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। फिर अब डार्क रिएक्शन के एक और टॉपिक की ओर चलते हैं और वो है अपने पास CAM। CAM को हम बोलते हैं क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म का मतलब ये जो प्रोसेस है वो स्पेशली किसके अंदर होता है, क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर, और ये जिन प्लांट्स के अंदर होगा उन प्लांट्स के अंदर खास बात क्या रहेगी कि उन प्लांट के स्टोमेटा रात को तो खुलेंगे और दिन में बंद होंगे, मतलब जो जीरोफाइटिक कंडीशन में मरुद्भिदि अवस्था में जो प्लांट रहेंगे उन प्लांट्स के अंदर ये स्पेशल टाइप की CO2 के फिक्सेशन की मैकेनिज्म पाई जाती है, CO2 के फिक्सेशन की मैकेनिज्म होगी और साथ ही साथ उसके अंदर स्पेशल तरीके से एनर्जी का कंजप्शन होगा, क्योंकि चूंकि ये C3 साइकिल से रिलेटेड है, मतलब डार्क रिएक्शन से रिलेटेड है, इसलिए CO2 के फिक्सेशन के लिए इस प्रोसेस को इसमें काम में लिया जाएगा। अब देखो ये किन प्लांट्स के अंदर हो गई, जिनके अंदर स्टोमेटा होते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा वो होते हैं जो रात को तो खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। अब ये किन प्लांट्स के अंदर होगी, बेसिकली आप ये कुछ एग्जांपल है वो याद रखना। देखो इसमें जो ट्रिक है केन्या जैसे नॉर्मल ट्रिक लिखी है मैंने इसके अंदर, ये केन्या वाले होते हैं, डार्क रिएक्शन है चूंकि ये, तो ये थोड़े काले होते हैं, उसके बेसिस पे आप ऐसे याद रख लेना इसको। तो के से होगा क्रेसुला, ए से हो गया अगेव, एन से हो गया नागफनी, ई से हो गया इसके अंदर इकाइनोकैक्टस, वाई से हो गया युक्का और ए से हो गया अनानास। ये सिंपल हिंदी के नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा साइकिल पाया जाता है, तो आप फिर इनमें बताना कि कौन सा साइकिल होता है। अब देखो इनके अंदर CO2 का फिक्सेशन तो होता है नाइट के अंदर और CO2 का रिडक्शन या शुगर का फॉर्मेशन होगा दिन के अंदर, और होगा कौन से सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर होगा, मेसोफिल की सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर ये दोनों प्रोसेस होगी। जबकि अपन C4 साइकिल में देख रहे थे तो वहां पर ये दोनों प्रोसेस अलग अलग सेल में हो रही थी, जिनको अपन मेसोफिल सेल और बंडल सीथ सेल के नाम से जान रहे थे। अब आगे देखो ये प्रोसेस एक स्पेशल जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होती है, उसको अपन बोलते हैं वेलवेशिया, अदरवाइज ये यूफोरबियसी फैमिली, लेलियसी फैमिली, कैक्टेसी फैमिली, इनके अंदर स्पेशली ये पाई जाती है क्रेसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट है इसमें कि क्रेंज एनाटोमी क्या रहेगी इसमें, अब्सेंट। आप इन पॉइंट्स को देख लेना, डायरेक्ट आपको इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। टेम्परेचर जहां 40 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस रहता है उस कंडीशन के अंदर ये एक्टिव होगा। अगला CO2 एक्सेप्टर्स के अंदर क्या है, पहला पेप कार्बोक्सिलेज, और प्राइमरी प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। जब आप इस फिगर को देखेंगे, डायग्राम को, तब और क्लियर हो जाएगा। नाइट के अंदर तो किसकी एक्टिविटी रहेगी, पेप कार्बोक्सिलेज, और ड्यूरिंग डे किसकी एक्टिविटी रहेगी, रूबिस्को। एनर्जी देखो इसमें एक CO2 को फिक्स करने में एनर्जी ATP काम में आएगी 6.5 और NADPH काम में आएगा 2,
तो 6 CO2 को फिक्स करने में आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, उतनी एनर्जी इसके लिए जरूरत रहेगी, मतलब तभी ये CO2 का फिक्सेशन हो पाएगा। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्यूरिंग डार्क की कंडीशन, क्योंकि डार्क में स्टोमेटा ओपन होते हैं तब कौन सी प्रोसेस होती है वो देखो। ये मैंने क्या किया है, एक मेसोफिल सेल बनाई है, यहाँ लिख दिया मेसोफिल सेल, क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रोसेस एक ही सेल में होती है इसलिए मेसोफिल सेल यहाँ पर लिख दिया। अब क्या होगा इसमें आगे, ये देखो मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट बना दिया मैंने, ये वैक्यूल बना दी, ये बाकी का जो पोर्शन यहाँ पर दिखा रखा है वो साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल हो गया। ड्यूरिंग डार्क जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो CO2 अंदर आई और HCO3 की फॉर्म के अंदर ये काम में आएगी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, फॉस्फोइनोल पायरुवेट आ गया साइटोप्लाज्म में। फॉस्फोइनोल पायरुवेट इस CO2 के साथ मिलकर पहला जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको अपन ने बोल दिया ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, इस प्रोसेस को अपन ने बोल दिया कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि CO2 इसमें काम में आ रही है। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, मेलेट या मेलिक एसिड में, और ये मेलिक एसिड आके स्टोर कहां पर हो गया, वैक्यूल के अंदर में, और अपने पास जो प्रोडक्ट बना CO2 के फिक्सेशन से वो बन गया मेलिक एसिड। अब होगा क्या, ड्यूरिंग नाइट प्रोसेस कंप्लीट हो गई अपने पास, अब ड्यूरिंग डे कौन सी प्रोसेस होती है वो देखते हैं। CO2 का रिडक्शन होगा, शुगर का फॉर्मेशन होगा, सिंपल सा है। तो जस्ट इसके ऑपोजिट करते चलो, जैसे ये मेलिक एसिड है वैक्यूल से बाहर आ गया, ड्यूरिंग डे की कंडीशन जब भी अपन करेंगे, जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तब क्या होगा, ड्यूरिंग डे ये CO2 अंदर आएगा नहीं, HCO3 रहेगा नहीं, ठीक है। तो होगा क्या फिर, ये मेलिक एसिड मेलेट में बन गया और मेलेट कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, मेलेट हो गया ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में, और प्रोसेस कौन सी होगी फिर, डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगी। तो अपने पास क्या रिलीज होगा यहाँ पर, ये हो गया रिलीज CO2 रिलीज होगा, और ये CO2 जो है, इस CO2 को, ये CO2 गया अंदर किसके, क्लोरोप्लास्ट के, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाने के बाद में ये क्या करेगा फिर आगे चलकर C3 साइकिल को ऑपरेट कर देगा। C3 साइकिल हुआ स्ट्रोमा के अंदर, और C3 साइकिल होते ही कौन सा साइकिल है यहाँ पर, C3 साइकिल ऑपरेट हो गया, और फिर आगे चल के C3 साइकिल में क्या बन जाएगा, शुगर बन जाएगा। अगला, इस प्रोसेस से जब ऑक्सिलो एसिटिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो अपने पास फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन भी हुआ, और ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी अंदर जाकर क्या बना सकता है, PEPB आगे अंदर जाकर क्या बना सकता है, स्टार्च। तो अपने पास दो तरीके से स्टार्च बन सकता है, एक तो PEP स्टार्च बना सकता है, और एक जो CO2 का जो डीकार्बोक्सिलेशन, ये जो प्रोसेस हुई जो आगे चलकर CO2 है इसको फिक्स करने का काम C3 साइकिल में होगा, C3 साइकिल में फिक्स होकर क्या बना लेगा, शुगर, ये शुगर आगे चलकर फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस अपने पास हो गए किससे रिलेटेड, CAM से। अब हम देखते हैं जो अपने पास अगला टॉपिक है, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। अब देखो अपने पास टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, कब से हम, जब से C3 साइकिल C4 साइकिल के बारे में बात करें, बार बार एक ही टर्म आती जा रही है, वो आ रही है फोटो रेस्पिरेशन। अब इस फोटो रेस्पिरेशन को हम समझते हैं कि एक्चुअली है क्या। देखो रेस्पिरेशन से तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो इनटेक करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये बात अपन रेस्पिरेशन की जब करते हैं तब करते हैं, लेकिन जब फोटो रेस्पिरेशन टर्म आती है तो हम क्या बोलेंगे कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। बट इस प्रोसेस में और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में डिफरेंस इतना ही है कि इसके अंदर ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन काम में ली जा रही है, CO2 प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ATP का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए अपन इसको डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं, डार्क रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। C2 रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं, C2 रेस्पिरेशन इसको क्यों बोलते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि रूबिस्को का ड्यूल नेचर होता है, रूबिस्को जो एंजाइम होता है उसका ड्यूल नेचर होता है, एक तो वो कार्बोक्सिलेशन कर सकता है और एक ऑक्सीजनेशन कर सकता है। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है तो उसकी कौन सी एक्टिविटी आएगी, कार्बोक्सिलेशन, और अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी कौन सी एक्टिविटी होगी, ऑक्सीजनेशन। तो अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्लांट क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे, ATP का फॉर्मेशन होगा नहीं, और PGA की तुलना में, PGA के कंपेयर में अपने पास एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जिसको अपन बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बोलेंगे अपन, फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट के अंदर कितने कार्बन होते हैं, दो कार्बन,
इसलिए इस साइकिल को हम सीटू रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, सीटू रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। स्पेशली ये कंडीशन कौन से प्लांट के अंदर हो रही है? C3 प्लांट्स के अंदर हो रही है। अब देखो एक बारबर्ग इफेक्ट आता है। बारबर्ग ने यह बताया कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस की रेट कम हो जाएगी। ऑक्सीजन के बढ़ने से फोटोसिंथेसिस की रेट कम होना कौन सा इफेक्ट कहलाएगा? बारबर्ग इफेक्ट। ये जो वर्ड है फोटोरेस्पिरेशन, ये दिया था कोर्ट क्रोव ने। सीटू साइकिल इसको बोलते हैं, ये बताया था डेकर एंड टीओ ने। ठीक है, तीन ऑर्गेनेल इसमें काम आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और परोक्सीसोम। और ग्लाइकोलेट साइकिल इसको नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर CO2 के फिक्सेशन के अलावा जब ऑक्सीजन का फिक्सेशन होता है तब अपने पास दो कार्बन का एक कंपाउंड बनता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब देखो सिंपल से तीन ऑर्गेनेल हो गए, क्लोरोप्लास्ट, परोक्सीसोम और ये माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीन के अंदर ये प्रोसेस चलनी है। सबसे पहले देखो PGA, नॉर्मल जब अपन C3 साइकिल की बात कर रहे थे तो ये जो PGA है अपने पास RUBP जो था, RUBP वो RUBP क्या कर रहा था, अपने पास तीन कार्बन का एक कंपाउंड बना रहा था जिसको अपन बोल रहे थे PGA। लेकिन एटमोस्फियर में जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो अपने पास रूबिस्को ने क्या कर दिया, रूबिस्को बोला कि भाई अब मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी ऑक्सीजनेशन की। उस कंडीशन में उसने क्या बनाया, इसको तो छोड़ दिया और बना लिया दो कार्बन का एक कंपाउंड जिसको फॉस्फोग्लाइकोलेट बोल दिया। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोलेट आ गया परोक्सीसोम में, परोक्सीसोम में आने के बाद में कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, ग्लाइओक्सिलेट के अंदर। ग्लाइओक्सिलेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन आ गया कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, सेरीन के अंदर। ग्लाइसिन कन्वर्ट किसमें हो गया, सेरीन में। इस प्रोसेस के अंदर उसने क्या किया, NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर दिया, CO2 को यहां पर क्या कर दिया, रिलीज कर दिया और NH3 को प्रोड्यूस कर दिया। यह NH3 वापस से ग्लाइसिन के फॉर्मेशन में काम आता रहेगा। यह सेरीन वापस माइटोकॉन्ड्रिया से ट्रांसफर हो गया परोक्सीसोम के अंदर, परोक्सीसोम में से कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट ने NADH को काम में लिया और बना दिया ग्लिसरेट। ये ग्लिसरेट कहां ट्रांसपोर्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में इस ग्लिसरेट ने ATP की प्रेजेंस में RUBP का फॉर्मेशन कर दिया। तो देखो इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, अपने यहां पर एनर्जी काम में आ गई और यहां एनर्जी काम में आ गई। तो ये प्रोसेस अगर रेस्पिरेशन की बात करें अपन तो रेस्पिरेशन में तो अपने पास एनर्जी बनती है लेकिन यहां एनर्जी क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। तो एक तरीके से प्लांट को एक तरीके का एक नुकसान है फोटो रेस्पिरेशन, स्पेशली कौन से कंडीशन में, C3 प्लांट के लिए। C4 प्लांट के अंदर क्या होता है कि ये जो मैकेनिज्म है बंडल सीथ के अंदर होती है तो वहां पर खूब CO2 अवेलेबल करा दी जाती है, इसलिए रूबिस्को की ऑक्सीजनेशन वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो नहीं पाती है, ये आप इसमें याद रख लेना। अब देखो इसको थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक से देख लेते हैं अपन। देखो एक जो सेल आती है उसको बोलते हैं प्री मॉडल जर्म सेल, याद रख लेना। फॉस्फोग्लाइकोलेट में मैंने PGC, ये PGC ले लिया, ठीक है। अब PGC के अंदर ये अपने पास ग्लाइकोलेट बन गया, ग्लाइकोलेट यहाँ पर आ गया। अब देखो प्री मॉडल जर्म सेल से ये डिटरमाइंड होता है कि लड़का हो गया लड़की, तो ये XY मैंने लिख दिया ये, ठीक है। XY का मतलब हो गया ये लड़का हुआ, ये देखो XY होने के बाद है, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, गिरधारी लाल यादव, GLY आप याद कर लेना, गिरधारी लाल यादव। ये गिरधारी लाल यादव हो गया और ये गिरधारी सर याद कर लेना, गिरधारी लाल यादव सर, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइपर हो गया, ठीक है। और क्या कर दिया उसने, गाली दी, ठीक है, गाली दी। अब आप इतना से इसे याद रख लेना कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो पाई, ठीक है। तो आप PGC से XY से गिरधारी लाल यादव, उसके बाद में सर गिरधारी लाल यादव सर, और ये हो गया हाइपर हो गए और उन्होंने गाली दी। इस तरीके से ये प्रोसेस हो गई कौन सी, फोटो रेस्पिरेशन की। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कई बार इसमें से सीधा क्वेश्चन आ जाता है, सिंपली इसको हम देखेंगे। इसके बारे में सबसे पहले सेक्स ने बताया था प्रधान बिंदु संकल्पना नियम, इतना आपको याद रखना है इसमें। फिर आता ब्लैकमैन, ब्लैकमैन ने क्या दिया था, सीमाकारी कारकों का सिद्धांत,
ये ब्लैक मैन थे, उन्होंने सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया था। अब फोटोसिंथेसिस को दो कारक प्रभावित करते हैं, एक को अपन बोलते हैं बाह्य कारक और एक को बोलते हैं आंतरिक कारक। बाह्य कारक में प्रकाश, प्रकाश का कितना ड्यूरेशन है, उसकी कितनी तीव्रता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस की रेट। तापक्रम है, तापक्रम की जो प्रक्रिया है, तापक्रम कितना है वो डिपेंड करेगा कौन सा प्लांट है। अगर C3 प्लांट है तो उसके लिए तापक्रम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। C4 रहेगा तो वो अधिक तापक्रम के परास को सहन कर सकते हैं, 30 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। CO2 है, CO2 C3 प्लांट के लिए कितनी, 450 माइक्रोलीटर, ठीक है, इसके लिए चाहिए। और C4 प्लांट के लिए 360 माइक्रोलीटर इनवर्स, ये चाहिए पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। वाटर और ऑक्सीजन अन्य कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक में पर्णहरित, पर्णहरित कितना है, क्या है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। स्टोर्ड फूड कैसा है और इंटरनल जो स्ट्रक्चरल लीफ की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड तीनों वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।